हाय गाइस वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो गाइस एक तो हमारे घर पर्दे तक नहीं है, अभी यहाँ पर गए तो लाइक हम शूट कर रहे हैं अभी, तो लोग बाहर के देख रहे हैं हमें कि व्हाट आर दिस गाइस डूइंग ब्रो। और ऊपर से पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते रहते हैं, तो भाई एक कारण पैसे खड़े रहते हैं कि ये कहाँ से आगे लोग। मैंने कोड बताया ना, पाक बोलो, पाक यहाँ को पाक पाक पाक। ओके सो गाइस ऑब्वियसली अनदर एपिसोड ऑफ शाबा फैक्ट्री। कौन कौन सी कॉपी हमने सॉन्ग की है ये आपकी एलिगेशन है, बट इज ट्रू और नॉट वी लेट यू नो इन दिस वीडियो। नहीं, आई मीन बॉलीवुड वाला। ओके, हम बॉलीवुड को इंडियंस नहीं मानते। सो गाइज यार डोंट लुक गुड फॉर माय फेस गाइज, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ सो दाढ़ी वाड़ी में कुछ नहीं काट रहा, अभी चिल चल रहा है मेरा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा भी देखने का मन नहीं कर रहा, सॉरी गाइज, आप इग्नोर करो। एक कंपोजिशन इज कॉपी, इसमें सिर्फ कंपोजिशन कंपोजिशन हां वही कंपोजिशन। मैं हम आपको खुश आमदीद कहते हैं दोस्तों। पिछले काफी दिनों से मैंने बॉलीवुड छापा फैक्ट्री पर वीडियो बनाना छोड़ दी थी। मैंने कहा यार इंसानों से ही गलतियां होती है, कितना एक्सपोज करूं यार, अगर एक्सपोज करने लग गया तो सालों वीडियोस बनानी पड़ेगी। मैंने कहा यार छोड़ दो, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे सामने बॉलीवुड के इतने बड़े सिंगर ने हमारे 14 साल पुराने गाने को जब चोरी किया, छापा मारा, तो मैंने कहा भाई वीडियो तो बनती है वीडियो। और फिर मैंने कहा चलो, आप लोग जो इतने मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और पता नहीं मेरा नंबर तो अनोखे थुल लग गया यार, उससे भी तुसी मैसेज कर दे। खैर आपके प्यार पंजाबी रील ने नंबर लॉक आपका किया है, करने जा रहे हैं जी। जस्ट किडिंग ब्रो, एक बार फिर से एक्सपोज कर रहे हैं हमारे गाने चोरी किए। और रिसेंटली सोनू निगम जी जो अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर कहते हैं, महान आदमी कहते हैं, उन्होंने हमारे कौन कौन से गाने। जस्ट फैक्ट गाइस, वी आल्सो डोंट लाइक हिम, लाइक बहुत सारे ग्रुप है इंडिया में जिसको पसंद करता है, बट he just talk shit, like literally बहुत सारे, मतलब इन द सेंस की कम्युनिटी उसमें रिलीजन के दम पे बेस पे बहुत ही सेंसिटिव कमेंट करता है, वो डालता है। सो आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दैट, बट सिंगिंग इज गुड। चोरी की है वो भी बताऊंगा, सिंगिंग इज गुड। आपको पाकिस्तान का एक ऐसा गाना भी बताऊंगा, जिस जिसने भी उस गाने को गाया, जिसने उसको लिखा, जिसने उसको कंपोज किया, आखिर उन सब की पुरस्कार तरीके से मौत क्यों हुई। आज के वीडियो में ये कहानी भी आपको साथ में बताने जा रहा हूँ, लेकिन रिएक्शन वालों से ये इल्तजा है कि आप रिएक्शन जरूर करें, बार बार करें, लेकिन ठीक 10 दिन के बाद। अगर आपको बुरा लगे तो हाथ जोड़कर आप लोगों से माजर चाहता हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर ब्रो सी मैंने आपकी वीडियो देखी नहीं, आपने अपलोड की है, तो सॉरी अगर मैं पहले कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं होगा। ओके चलो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन पर अपनी प्यार वाली पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक मशहूर सिंगर उमर नदीम के बारे में। उमर नदीम का 2009 में गाया हुआ गाना सुन जरा, आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा और मुझे बहुत पसंद भी है। इस गाने को इंडिया के बहुत बड़े सिंगर भाई, ये फिर से हो गई। ओह माय गॉड, मैं डर गया, क्या हो गया तुझे? ये आवाज कहां से रही है? गाइस हमारे घर में मधुमक्खियों का अटैक चल रहा है। 2023 में सोचा कि यार 14 साल गुजर गए, किसी को क्या पता चलता है कि मैं अपना गाना कर कर इनके सामने पेश कर दूं, किसी को क्या पता चलेगा ये गाना सोनू निगम जी का है या फिर उमर नदीम का। अरे सोनू निगम जी अभी हम जिंदा है, एक्सपोज करने के लिए बैठे हुए हैं ना, तो आइए आपको सबूतों के साथ पेश करते हैं। Okay, nice call. एक और ऐसा पाकिस्तानी पुराना गाना जिसे आज भी सुनकर बहुत मजा आता है, और ये गाना हमारे पैदा होने से पहले बनाया गया था, यानी कि 1981 में फिल्म शेर खान के लिए इस गाने को बनाया गया और इसे पिक्चराइज किया गया था सुल्तान राही और अंजुमन पर। नोटिस उस टाइम इंडस्ट्री बूम थी पाकिस्तान की, मूवीज सॉन्ग। तो फिर अभी क्या हो गया? अभी तो इतना मॉडर्न हो गया सब कुछ। पॉलिटिक्स जो उनको क्या बोलते हैं, उनको पॉलिटिक्स इन द सेंस कि ये चलने देते नहीं है लोग, ठीक है कुछ भी कर लो तुम, कोई ना कहीं गलती नहीं कराती और वहीं काम ठप, तो नहीं मतलब ट्राई भी नहीं करते। ये कब का गाना, सोच मतलब कम होना पैदा भी नहीं हो सकता।
बॉलीवुड के मशहूर सिंगर उदित नारायण ने एक एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था बेवफा सनम। इस एल्बम में नूरजहान के गाए हुए गाने की धुन को सेम टू सेम कॉपी करके नया बनाकर पेश कर दिया गया और कहते रहे साडा अपना गाना है। आइयो बाजी तुहानू सबूत विखाने आ, तुसी आप ही वेख के फैसला करो कौन सच्चा ते कौन झूठा। दिल लगा के मुझे अपना बना के मेहंदी मेरे लहू की लगाई है, मैयत पे सज के वो आई है। देख मैं बता रहा हूँ, देखो कोई भी गाना देखो पहली लाइक कॉम्पोजिशन आई थिंक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा बहुत म्यूजिक, बट लिरिक्स इज टोटली डिफरेंट फॉर मी। लिरिक्स तो ओके, लाइक आई एग्री कि बॉलीवुड इज लाइक टोटली कॉपी करता है बहुत गाने को, मतलब नया बना के डालता है। और मैं बता रहा हूँ पंजाबी बहुत सारे गाने जो बॉलीवुड में गए हैं। हाँ, सो आई अगर प्रॉपर अगर उठाते हैं तो भाई उसके पैसे मिलते हैं, अगर नहीं तो आई थिंक मेरे ख्याल से लाइक बंदा कॉपीराइट डाल सकता है उसके ऊपर, लाइक फॉर द नीड टू पे। बट ऑब्वियसली अगर वो कोई बड़ा सिंगर, उदित नारायण इज नॉट अ स्मॉल सिंगर, बता रहा हूँ आपको, इंडिया में बहुत ही बड़ा नाम है इनका। एंड आई थिंक उनकी टीम ने कुछ सोच समझ के पोस्ट किया होगा, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि कॉपी नहीं है, कंपोजिशन इज अ बिट कॉपी आई कैन से। अली और रेशम पर एक बहुत ही खूबसूरत गाना पिक्चराइज किया गया था जानू सुन जरा, और इसमें कोई शक नहीं कि अपने वक्त का ब्लॉकबस्टर गाना था। और इस गाने को 1995 की फिल्म जीवा में पेश किया गया, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इसी गाने ने बाबर अली और रेशम को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। और इतने बड़े सुपरहिट गाने की धुन को कॉपी करना, मैं तो ये समझता हूँ कि बेवकूफी है, लेकिन सोनू निगम जी कहते हैं कि ऐसी बेवकूफी हम बार बार करेंगे। मेरा दिल गया, मेरा घर लुटा, अब क्या कहूँ मैं तुझे किया बर्बाद, मुझे निकला बेवफा। पाकिस्तान के मशहूर गाने मुंडिया दुबट्टा छड़ मेरा को भी ना बख्शा गया, जिसे नदीम और बाबरा शरीफ पर पिक्चराइज किया गया था। भारत के इतने बड़े सिंगर सोनू निगम जी इस गाने को कॉपी करेंगे, सब सोनू निगम उठाया गया क्योंकि वो कहते हैं मैं ऐसी गलती बार बार करूंगा। और अब उस गाने की बात है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस गाने के हिट होने के बाद उसने न जाने कितनों की पुरेसरार तरीके से जान ली, और आज तक कोई न जान पाया कि आखिर उसके पीछे क्या वजह थी। 1974 में पाकिस्तान के मशहूर सिंगर उस्ताद अमानत अली ने एक गाना गाया जो कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिट था, इंशा जी उठो अब कूच करो। गाने के मशहूर होने के चंद दिन बाद ही अमानत अली की डेथ होगी, और इनकी डेथ के बाद कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, और भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, वो भी आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आपको ये तो बता दूं कि बॉलीवुड में इस गाने को किसने कॉपी किया। 1997 में रिलीज होने वाले एल्बम सनम बेवफा में इस गाने की धुन को सेम टू सेम कॉपी करके पेश किया गया। गाने का नाम था शहनाई बजेगी और गाया था नितिन मुकेश ने। शहनाई बजे तेरे घर में और मेरे घर में मातम है, अब
जरा बात कर लेते हैं कि इस गजल के हिट होने के बाद आखिर किस किस की पुरिसरार तरीके से सेम एज में डेथ हुई। 19वीं सदी के सबसे बड़े राइटर और शायर इब्ने इंशा ने इस गजल को लिखा और 1970 में ये पब्लिश हुई। ये गजल उनकी जिंदगी की सबसे फेमस और मशहूर गजल थी। इस गजल के पब्लिश होने के चंद माह बाद ही बरे सगीर के सबसे बड़े उस्ताद अमानत अली खान साहब ने इसको अपने अंदाज में गाकर पेश किया और जब इस गजल को पीटीवी पर नशर किया गया तो पीटीवी को लाखों खतूत मौसूल हुए कि इसको दोबारा से चलाया जाए, दोबारा से नशर किया जाए। और इस गजल को अमानत अली की 52 साल जिंदगी का सबसे बड़ा हिट कहा जाता है। उन्होंने इससे पहले हजारों गीत और गजलें गाई होंगी लेकिन ये शोहरत उनको पहले कभी ना मिल पाई। अभी अमानत अली ने इस गजल की शोहरत का पूरी तरह से मजा भी नहीं चखा था कि ठीक 52 साल की उम्र में अचानक उनकी डेथ हो जाती है और चंद माह बाद इस गजल के राइटर इब्ने इंशा की भी अचानक 52 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। और उन्होंने अपने डेथ बेड पर ये अपनी डायरी में लिखा कि न जाने ये गजल और कितनों को निगल लेगी और कितनों की जान लेगी और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिर वक्त गुजरता गया और उस्ताद अमानत अली खान के बेटे असद अमानत अली खान बहुत पॉपुलर सिंगर बन गए और उन्होंने अपने 30 साल कैरियर में खूब इंजॉय किया। उनका कैरियर एकदम फिट फाट चल रहा था और एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट में लोगों ने उनसे फरमाइश की कि आप वो गजल सुना दें जो आपके वालिद कभी सुनाया करते थे। बहुत बड़ी फरमाइश आने के बाद पीटीवी की एक बहुत बड़ी महफिल में उन्होंने बहुत मजे से वही गजल दोबारा से सुनाई, इंशा जी उठो अब कूच करो। अब उनकी 2006 में 52 साल उम्र हो चुकी थी। याद रहे कि असद अमानत अली ने अपने 30 साल शानदार करियर में इस गजल को कभी कहीं नहीं गाया था लेकिन पीटीवी की एक शानदार महफिल में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आने पर उन्होंने इस गजल को गाया और ठीक चंद दिन बाद जब वो 52 साल के हुए तो उनकी डेथ हो गई। फिर इनके छोटे भाई शफकत अमानत अली से भी बहुत सारे कॉन्सर्ट में इस गजल को गाने की रिक्वेस्ट की गई लेकिन उन्होंने एक ही बात की कि जब मैं इस फील्ड में आने लगा था तो मेरी फैमिली वालों ने एक ही वादा मुझसे लिया था कि तुम इस गजल को कभी मत गाना, इस गजल को हमारी फैमिली में जिसने भी गाया वो इस दुनिया से चला गया। हैरत की बात यह है कि तीनों राइटर सिंगर दोनों सिंगर एक ही सेम एज में इस दुनिया से कूच कर गए और ये बात आज तक किसी को समझ नहीं आई कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी कि 52 साल की उम्र में ही ये तीनों कूच क्यों कर गए। एक लिखने वाला, दो गाने वाले, आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। न जाने इस गजल को गाने वालों पर क्या असर होता होगा, सानू ते नहीं पता, असी ते डर गए। खैर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो हमने तो भाई बोलना बंद कर भाई दिया। मैं तो मूड ऑफ कर दिया हमने ने जैसे मैं तो लाइक बारे में बोलते हैं वो मर जाता है सच में। ओके कम ऑन मैन, ओह माय गॉड, लाइक दिस इज मतलब टर्न टू बैड, लाइक हम तो कुछ और सोच के आए थे एंड ब्रदर ने कुछ और ही हमें घुमा दिया चक्करों में। एंड द थिंग इज ओके वी एग्री दैट कि कॉपी करते हैं बट वी गिव अ बेटर वर्जन ऑल्सो। ओके यू हैव टू पॉइंट एग्री इन दैट कि वी हैव मनी राइट सो उसके इस्तेमाल से गाना और बेहतर रहता है बट ऑब्वियसली ओरिजिनल चीज़ जो बनती है बहुत एक्सपेरिमेंट से बनती है, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा दिमाग, एवरीथिंग उसमें इन्वेस्ट होता है। कॉपी करना बहुत ईजी होता है और वो बेटर भी हो सकती है बट ओरिजिनल इज ऑलवेज अ मास्टर पीस। ओके वी एग्री वी कॉपी एंड वी लाइक टू डू इट। ओके एंड वी विल डू इट इन फ्यूचर ऑल्सो। सो या मिलते नेक्स्ट वीडियो में।